दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो बिटकॉइन के जो प्राइस को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद जो बात करेंगे कि बाइनांस ने कौन से कोइन को डीलिस्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले वो भी देखेंगे और उसके पहले BTC की जो प्राइस है यहाँ पे लाइव चार्ट के ऊपर देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा BTC USDT पेयर। USDT पेयर यानी कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लगभग पहले का चार्ट ओपन नहीं हुआ तो ये फाइनेंस वाला ओपन करेंगे। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर इसको चेक करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये कल का चार्ट है और कल का मैंने ग्रुप के अंदर भी डाला था, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको हमेशा नई नई अपडेट मिलती रहेगी। उसके बाद जो टारगेट होगा ये रहा, ये वाला टारगेट लगभग इसका है, और इसके बाद जो टारगेट होगा ये वाला, इसके बाद ये वाला, उसके बाद इसके क्रॉस ओवर करता है परंतु, तो ये टारगेट भी इसका 56,000 का टारगेट भी फिक्स हो जाएगा। परंतु दिसंबर का महीना है, हर दिसंबर यानी कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला वाला होता है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि बाइनांस ने जो कॉइन डीलिस्ट किया है कौन सा कॉइन है वो भी चेक कर लेते हैं। उसके पहले वही बात, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन की घंटी को जोर से दबाइए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बाइनांस ने डीलिस्ट किया है एक कॉइन को, APPCEVXRDN। हम तीनों कॉइन को चेक करेंगे। तीनों कॉइन को मतलब डीलिस्ट करने का कारण ये है कि इन्होंने कुछ रीजन की वजह से इसको डीलिस्ट कर रहे हैं। कुछ डीलिस्ट करने का जो कारण है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि बाइनांस का जो भी कुछ करार होता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग, जो भी कॉइन उसको पूरा नहीं करता है, ठीक है, हमारे द्वारा उसके पूरा नहीं करता है, उसको उसको वो संपूर्ण तरीके से बाइनांस से डिलीट करते हैं। उसके बाद डिजिटल संपत्ति को भी हटाने का फैसला करते हैं, यानी कि या फिर इनको ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम आई होगी, या फिर इनके पास कोई कुछ अदर प्रॉब्लम होगी, या फिर इनके पास कोई इन्वेस्टर नहीं होंगे, या फिर कुछ न कुछ हुआ है, ठीक है, या फिर इनकी लापरवाही होगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इन्होंने तीन टोकन्स को डिलीट करने का फैसला किया है। और वापस मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये तीनों कॉइन ले रखे हैं तो उसको बाइनांस में तो उसको सेल कर लीजिए, क्योंकि 27 तारीख को ये कॉइन डिलीट हो जाएंगे, और इनकी जो विड्रोल सिस्टम है बाइनांस, वो 28 तारीख तक इसका ओपन रखेगा। ठीक है, 28/12 तक ओपन रखेगा, यहाँ पे क्लियर लिखा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीन चार कॉइन है जो APPCBTC का पेयर है, EVXBTC का पेयर है और RDN1BTC का पेयर है, और इन्होंने मतलब तीनों कॉइन को हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा ट्रेडिंग बंद होने के बाद भी संपत्ति के लिए आपको यहाँ से जमा नहीं की जाएगी, टोकन को जमा नहीं की जाएगी, और टोकन की निकासी यानी कि जो विड्रोल सिस्टम है तीनों का वो आप विड्रोल कर सकते हो 28/6 तक 2022 है। ठीक है, तो ये सिस्टम है आपके सामने है, आप अगर बाय करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।